हाय गाइस, वेलकम टू ममताज किचन। आज हमारे किचन में हम जामुन आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। जामुन से स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेकारक होता है। अभी जामुन की सीजन चल रही है। जामुन सॉल्ट के साथ हम जामुन का आइसक्रीम का भी मज़ा ले सकते हैं। आपने मेरी चैनल ममताज किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। यहाँ मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, इसमें आधी कप चीनी ले लिया है और 1/4 कप कॉर्नफ्लोर ले लिया है। अभी यहाँ हम 1 कप मिल्क पाउडर ले लेते हैं और सभी को प्रॉपर हम मिक्स कर लेते हैं। हमें गैस की फ्लेम पे नहीं रखना है, हम गैस की फ्लेम ऑफ करके ये काम करने वाले हैं। अभी आइसक्रीम का बेस बनाने जा रहे हैं हम, जो वेनिला आइसक्रीम का बेस बनाते हैं ना, वो ही प्रॉपर बनाना है हमें। यहाँ हम मिल्क नहीं ले रहे तो 2 कप पानी ले रहे हैं। हम यहाँ आइसक्रीम पानी की मदद से ही बनाने वाले हैं, तो 2 कप पानी ऐड किया है मैंने और सभी को प्रॉपर मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल लम्स नहीं रहने चाहिए फ्रेंड्स, ऐसी एक स्लरी बन गई। अभी हम गैस की फ्लेम पे उसको रख देंगे। यहाँ हमें एकदम लो फ्लेम पे ही पकाना है। आप देख रहे हो 5 से 6 मिनट में ये बैटर घट हो जाएगा। बस इसको प्रॉपर मिलाते रहना है ताकि वो नीचे चिपके नहीं। कॉर्नफ्लोर है तो जल्दी चिपक जाता है और घट भी हो जाएगा। चीनी यहाँ मेल्ट हो गई और बैटर अपना घट होने आया। गैस की फ्लेम बंद कर देनी है, ये रेस्ट देने के बाद ऐसा टेक्सचर हो जाएगा। अभी इसको हम एक बाउल में ले लेते हैं। ये आइसक्रीम बनाना बहुत इजी और इसमें नहीं कोई केमिकल जाता है, नहीं कोई कलर का इस्तेमाल हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। अभी यहाँ मैंने 1 कप व्हीप क्रीम लिया है, आप चाहो तो आधा कप भी ले सकते हो। उसको प्रॉपर हमें बीट करना है। ये इलेक्ट्रिक बीटर आता है ना, उसकी मदद से 5 से 7 ही मिनट में बीट हो जाएगा। एकदम फ्लफी हमारा वेनिला आइसक्रीम तैयार हो जाएगा। ये एक बेस तैयार हो गया। अभी इसमें हम जामुन आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं तो वो प्रोसीजर भी हमें करनी पड़ेगी। ये आइसक्रीम का बैटर तैयार हो गया है, उसको मिला के हम एक बाउल में निकाल देते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम जामुन ले लिए, फ्रेश जामुन लेना है फ्रेंड्स यहाँ पे। उसको धो के बराबर फ्रेश लिए है, तो अभी इसमें से हम जो उसके सीड्स हैं ना वो निकाल देते हैं। जामुन की प्यूरी बनानी है हमें। जामुन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेकारक है, जो सीजन में अवेलेबल है तो उसका फ़ायदा हमें लेना चाहिए। अभी हम मिक्सर ग्राइंड में उसकी प्यूरी बना लेते हैं। ग्राइंड होके प्यूरी तैयार हो गई। आप देख रहे हो ना कितना अच्छा कलर आ गया है, पर्पल कलर को जामुन का जो होता है ना नेचुरल कलर, वही बहुत इनफ है। अभी जो हमने आइसक्रीम का बेस तैयार करके रखा था उसमें हम प्यूरी ऐड करेंगे। थोड़ी थोड़ी डालते जाएंगे और उसको प्रॉपर मिक्स करते जाना है। यहाँ मैंने शेडिंग वाला आइसक्रीम चाहिए, मुझे प्रॉपर पर्पल कलर नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इस प्रकार से मिला रही हूँ। आप चाहो तो इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से भी उसको प्रॉपर मिक्स कर सकते हो, लेकिन जो इसमें वाइट और पर्पल का शेडिंग पड़ता है ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं इसी तरह से उसको मिक्स कर रही हूँ। अभी आप देख रहे हो ना कितना अच्छा कलर आ गया है। आप टेस्ट के अनुसार प्यूरी ऐड कर सकते हो। ये तैयार हो गया है जामुन आइसक्रीम का बेस। अभी हम एयर टाइट के कंटेनर ले लेंगे, इसमें हमें प्रॉपर सेट करना है। जामुन आइसक्रीम सीजनेबल आइसक्रीम है, टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो ज़रूर से ट्राई करना घर पे। एयर टाइट कंटेनर ले लिया है। अभी मैं इसमें आधा बैटर डाल रही हूँ आइसक्रीम का, और ऊपर से मैं थोड़ी जो जामुन की प्यूरी बनाई थी ना वो डाल देती हूँ और उसको चम्मच की मदद से थोड़ा स्प्रेड कर लेते हैं, ताकि इसमें अच्छा वाला जो हम शेडिंग चाहिए ना, वो शेडिंग देने के लिए मैं ये कर रही हूँ। जो मार्बल इफेक्ट आती है ना फ्रेंड्स वो, पर ज़्यादा मार्बल इफेक्ट नहीं चाहिए हमें। अभी वापस थोड़ा आइसक्रीम डाल दिया और वापस उस पर हम प्यूरी लगा देते हैं। बहुत ही अच्छा कलर इसका नेचुरली है, नहीं कोई केमिकल का इस्तेमाल किया है, नहीं कंडेंस मिल्क, नहीं GMS के CMC पाउडर भी हमने यहाँ पे नहीं लिया है। ये 5 से 7 ही मिनट में बन जाने वाला आइसक्रीम है फ्रेंड्स, तो ज़रूर घर पे ट्राई करना। उसको हम कवर लगा के 5 से 6 घंटे तक मिनिमम फ्रीजर में रख देंगे। फ्रीजर के बाहर निकालते ही आप देख रहे हो ना उसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छा सेट हो गया है, तो इस कुकर ले लेते हैं और इसकी मदद से हम निकाल देते हैं और आइसक्रीम सर्व कर लेते हैं। तो तैयार है अपना सीजनेबल जामुन आइसक्रीम, घर पे जरूर से ट्राई कीजिएगा, छोटे बड़े सभी को पसंद आएगा। शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स।